ए चल रहा आराम से हट जाओ। अरे आ लो यार, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब में पता लगाएंगे भैया इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। सही बात है। और फिर सवाल ये पूछेंगे कि अगर 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों का माफ कर सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? मतलब पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। बात समझ आई? एक तरफ 22 लोगों को खड़ा कर दीजिए, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोगों को खड़ा कर दीजिए, सेम धन है। 50% हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के पास हिंदुस्तान का पता कितना धन है बता दो, मान जाओ बता दो। 50% आबादी निकालो हिंदुस्तान की, 3%, 50% से 50 सबसे गरीब, 50% सबसे गरीब लोगों के पास हिंदुस्तान का 3% और 22 लोगों के पास 50% से ज्यादा था। तो ये मजाक बना रखा। आप लोग सवाल नहीं पूछते, आप लोग अपना ध्यान इधर उधर करते रहते हो। जैसे अभी ये सेलफोन पे आपने वीडियो लिया, फिर इसको आप फिराओगे, भैया ये लो देखो मैंने वीडियो देखा, वो जाएगा आपके मोबाइल फोन से, जाएगा किसी और के मोबाइल फोन में जाएगा, उसका ध्यान भटकेगा और सीधा 22 लोगों के पास, 22 लोगों के पास। तो ये जाति जनगणना है, इकोनॉमिक सर्वे, इससे सारा साफ हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, मैं आपको लिख के दे दूंगा। तीन लोगों को हटा दिया जाएगा, कौन हटेंगे? पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी हटेंगे। और वही जो 3-4-5% लोग हैं अमीर लोग, उनके बच्चों को सीधा वहां पे अंदर डाल जाएगा। तो ये हो रहा है आपके साथ, और ये पूरा का पूरा आपके प्रधानमंत्री जी, उनके 2-3 अरबपति मित्र और हिंदुस्तान के 3-4% लोग करवा रहे हैं। आपके पास 90% लोग हैं, मगर आप सब बटे हुए हो, सब बटे हुए हो, कोई मोबाइल फोन देख रहा है, ईवीएम, आपको लगता है कि ईवीएम है।